तो भाई ये सामने आ गया बॉर्डर कश्मीर का और यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे कश्मीर में। तो भाई ये सामने आ गई जो जिला जो पहाड़ है जो जिसको हमें क्रॉस करना जो जिला टॉप आएगा तो वो अभी जितना आगे जाएंगे स्नो उतनी बढ़ती चली जाएगी और स्नो के बीच से ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो भाई जो ये स्नो है ना ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल खा जाती है रोड को तो छोड़ती कहीं नहीं है। इतनी देखो ना अभी भी इतनी है तो मान लो सर्दियों में तो कम से कम भी ये डबल तो मिनिमम होगी। तो भाई ये जो यहाँ बर्फ की लेयर है ना ये है 25 से 30 फुट। देखो दिख रही है आपको हमारी गाड़ी तो 25 ही लग रही है इस बर्फ के उसके आगे दोनों ही तरफ, पर ये पुरानी बर्फ है क्योंकि देखो ब्लैक हो रखी है बिल्कुल। और ये देखो भाई माहौल अलग ही है ना। इधर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और उधर है कैंपिंग साइड। भाई अगर आप कैंपिंग के शौक रखते हो ना और जैसे कश्मीर में कैंपिंग करना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप है ना भेड़ वालों को ढूंढो। वो हर जगह होते हैं, जहां ग्रीन ग्राउंड मिलेगा वहां भेड़ वाला मिलेगा ही मिलेगा। उसके आसपास कहीं भी कैंपिंग करो आप भी सेफ रहते हो क्योंकि वो रात भर जगते हैं भाई। तो भाई अपना काम था कटिंग करने का और आलू उबालने का। आलू उबलने लग रहे हैं, कटिंग हमने कर दी है, चॉपिंग वोपिंग जो भी कुछ होता है उधर भाभी जी ने कर दिया है आटा तैयार। तो भाई ये देखो ये है आज की लोकेशन बहुत ही प्यारी। इधर देखो वो सामने है अमरनाथ वाला पहाड़ भाई, बाबा बर्फानी वाला। तो भाई अब देखो क्या सब्जी आई है कलर उठ के ना मस्त। और अब बैठ के यहाँ खाएंगे आराम से, मैं और भाई भाभी बनाएंगे जब तक पूरियाँ, मज़ा आ जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था हम कर रहे थे कार कैंपिंग और भाई रात को बारिश बहुत ज़बरदस्त थी तो भाई रात को हमने रोड लगा दिया था बीच में अपना त्रिपाल वगैरह तो प्रॉपर बढ़िया रहा। और भाई अब भी उठे सुबह 8 बज चुके हैं जबकि हमें थोड़ा जल्दी निकलना था और वो तो भाई अभी उठे भी नहीं है। और भाई व्यू देखिए आसपास पूरा ग्रीन ग्रास और ज़बरदस्त व्यू है भाई। ये देखो पूरा चारों तरफ ना। और भाई ये सामने है जोजिला पास और भाई ये करना आज क्रॉस। ऊपर स्नो फॉल हो जाती रात को भी हम निकल जाते लेकिन स्नो का डर था इसलिए हम रुक गए। और हमारे भाई साहब उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। हेलो जी। 8 बजे इनकी गुड मॉर्निंग हो रही जबकि रात को 10 बजे सो गए थे। अच्छा जी रात को बच्चा खिलाया। तो भाई सुबह सुबह अपने हमने कर दी अपनी पैकिंग शुरू। पहले सबसे पहला काम था तरपाल हटाना क्योंकि अब बारिश बारिश का तो कोई चांस है नहीं और अब करेंगे इसको क्लोज। तो भाई इधर भाभी ने खोल दिया अपना किचन चाय के लिए तो भाभी बनाएंगी चाय और हम जब तक अपने फटाफट कर रहे हैं पैकिंग क्योंकि लेट हो गया और हमें जल्दी निकलना था। अदरवाइज है ना भाई ये जो पास है ना ये दिख रहा है ना पूरा बर्फ से ऐसा जाम लगता है वहाँ पर बुरा हाल कर देता है भाई। तो टाइम से निकल जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो भाई कल की तरह फिर बारिश में ही रहेंगे। तो भाई सब कुछ हो चुका है रेडी, चाय वाय पी चुके हैं, चाय और बिस्किट ही लिया क्योंकि भाई आगे अभी एक बार इसको पास को क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद फिर आराम से ढंग से कोई लंच वंच बनाएंगे और फिर देखते हैं। ये देखो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो चलो भाई करते हैं आज की जर्नी का स्टार्ट। ओए भालू, ओए भालू, भालू, ओए भालू, हेलो, हाय करो भालू, हेलो करो, हाय हाय करो भालू। भालू नहीं कर रहा भाई, हाय भालू आज अभी उठा है ना इसलिए थोड़ा सा मरोड़ में है। तो भाई ये देखो पूरा कर दिया है जैसे आए थे वैसे ही क्लीन और अब चलने की फुल तैयारी। वाह अब चलते भाई। तो देखो ये आ गया हमारा भालू। बाय भालू बाय। तो भाई लेते हैं अपने प्रभु का नाम भोले बाबा का नाम हर हर महादेव और चलते हैं। और ये देखो भाई रात की बारिश का पानी। और भाई रात को अंदर ही सोया था मैं तो कैंपिंग उसमें लो लाप लास्ट वीडियो में देख ही सकते हो। और भाई नज़ारे नज़ारे और सिर्फ नज़ारे हैं इस रूट पे। लद्दाख में तो आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी या तो स्नो मिलेंगे या सूखे पहाड़ मिलेंगे पर इस रोड पर है नज़ारे ही नज़ारे। और देखो भाई कितना पानी स्टोर हो रखा था उसकी छत पर तो ये अभी झड़ लेगा। दूसरी गाड़ी आ रही भाई उसका कर रहे हैं वेट। वो देखो वो अभी वही खड़ी हुई है। ये था ग्राउंड कुछ और इधर सामने है भाई गांव। आगे चल के 1 किलोमीटर आगे गांव है एक, इधर नहीं है कुछ भी जहां हम रुके हुए थे।
भाई इधर है ना भालू आते हैं और वो भी ग्रुप में 5-6 ब्राउन बियर्स, तो वो बोले कि यार नदी के उस पार तो फिर भी ज्यादा आते हैं, इस साइड में कम होते हैं। तो मैंने कहा हम इस साइड में आ जाते हैं। भाई रात को बारिश इतनी जबरदस्त थी कि आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में, तरपाल लगा के मैगी सूप बना के तब बड़ी मुश्किल से बस रेडी किया और फिर सोए। तो भाई आज का दिन अच्छा हो क्योंकि आज बादल और धूप मिक्स है। तो भाई ये मतियान उस साइड का लास्ट, इस साइड का लास्ट गांव, इसके बाद पास आ जाएगा और पास क्रॉस करके फिर कश्मीर की खूबसूरत खूबसूरत वादियां दिखाएंगे आपको। देखो भाई इधर बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैंपिंग के, जहां आपकी इच्छा हो ना वहां कर सकते हो। यहां लोग भी इतना ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं उठाते, ना इतना कोई किसी को बोलता। तो ये देखो हमारे कोई और गाड़ियां भी कहीं ना कहीं किसी ने फंसाई हुई है, और ये देखो लोग अपने लोकल लोग भी यहाँ अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। आजकल तो ये फैशन हो गया भाई, हर कोई उठा के फिर रहा भाई। और ये देखो भाई कितने बड़े बड़े, मतलब ऐसे तो आपको हर जगह मिलेंगे, ये आपको हिमाचल उत्तराखंड में बहुत बहुत कम मिलते हैं। यहाँ तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत छोटा सा पीस है, इधर तो आप आगे देखोगे ना तो और बड़े बड़े मिल जाएंगे आपको। तो भाई ये सामने आ गया बॉर्डर कश्मीर का, और यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे कश्मीर में। ये देखो गाड़ियाँ टैक्स वैक्स भरवा रही है, और शायद हमें भी कोई स्लिप विलिप कटवानी पड़े, पर मुझे लगता नहीं कोई कटेगी, शायद हमारी तो ट्रक वगैरह के लिए होता है शायद। भाई खांसी हो रखी बहुत ज़बरदस्त, और आज तो अभी पैरासिटामोल की गोली खा के चल रहा हूँ, फीवर भी हो रहा है। तो भाई हम एंटर हो चुके हैं ऑफिशियली कश्मीर में, यहाँ से अपनी हुई थी एंट्री, और अब निकल गए हम आगे की ओर। भाई ये गुफा कैसी बनाई हुई है, जैसे रेन शेल्टर होता ना उस टाइप का बना हुआ है सामने, ये देखो। भाई इस एरिया में आप देखोगे ना बहुत बहुत सारी, मतलब जो भेड़ वाले होते हैं ना वो मिलेंगे आपको कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, क्योंकि ये टाइम है कश्मीर ही ग्रीन होता है, तो इसमें भाई अपनी भेड़े चराने के लिए आ जाते हैं। और इतने हैं भाई, इतने हैं कि आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर आधे किलोमीटर पे इनका तंबू लगा हुआ है, हर तंबू के पास 200-300 भेड़े तो होती है, तो सोच लो कितनी भेड़े आ रखी होंगी। भाई अगर आप कैंपिंग के शौक रखते हो ना, और जैसे कश्मीर में कैंपिंग करना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका है कि आप है ना भेड़ वालों को ढूंढो, वो हर जगह होते हैं, जहां ग्रीन ग्राउंड मिलेगा वहां भेड़ वाला मिलेगा ही मिलेगा, उसके आसपास कहीं भी कैंपिंग करो आप भी सेफ रहते हो, क्योंकि वो रात भर जगते हैं भाई, रात भर, क्योंकि उनकी भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है उनको, तो हर जगह रात भर एक बंदा या दो बंदे पहरे पे रहते ही रहते हैं, तो सबसे सेफ प्लेस मेरी नजर में वही आता है भाई। ये देखो यहाँ तो इन्होंने पक्के स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं, कुछ पक्के स्ट्रक्चर है, इधर देखो घोड़े वगैरह बैठे होंगे। और भाई व्यू देखो, अब जा रहे हैं हम स्नो की तरफ, आगे स्नो ही स्नो मिलेगी हमें पास पे, देखते हैं कितनी स्नो मिलती है, और ये हमारी कश्मीर की पहली स्नो होने वाली है। भाई यहाँ देखो नीचे एक और टनल बन रही है, अगर ये टनल कंप्लीट हो जाएगी तो ऊपर पास पे चढ़ना ही नहीं पड़ेगा, नीचे नीचे ही अंडरग्राउंड ही निकल जाया करेगी। ये देखो भाई स्नो आने लग गया, भाई कल रात को भी यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ था कल रात को भी, इसीलिए हम रुक गए। फिर मैंने कहा ज्यादा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मान लो स्नो में फंस गए ना तो रात को यहीं रहना पड़ जाएगा और फिर दिक्कत देगा। मैंने कहा इससे अच्छा अपना आराम से रेस्ट करो, सुबह चलेंगे और सुबह देखते हैं भाई ट्रैफिक ही मिल जाएगा ज्यादा, और क्या होगा इससे। बारिश का पानी है ना पूरे रोड पे भरा हुआ, पीछे काफी देर से था ये, ऐसे ही चल रहा है। और भाई जहां तक लग रहा है मेरे को हो गया है फीवर बहुत भयंकर, और मेरे से गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही है, तो धीरे धीरे पहुंचेंगे हॉस्पिटल में, जाएंगे दवाई लेंगे तो फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे भाई, क्योंकि जिस हिसाब से हालत हो रही है ना धीरे 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 वीक हो जाएगी। आप लीजिए भाई स्नो का मजा, ये देखो स्नो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, और पहाड़ों पे तो देखो बिल्कुल फ्रेश स्नो दिख रही है ना आपको, ये कल की है, धूप निकलते ही ये चली जाएगी। फिर रोड तो ये बिल्कुल सारा ही खराब है, और ये देखो छींटे अभी साफ किया शीशा, अभी फिर छींटे लग गई, क्योंकि भाई छींटे मारते भी जा रही गाड़ियाँ, क्या करें इसको साथ के साथ ही साफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दाग पड़ जाते हैं, बहुत हो गया भाई। और ये देखो भाई ऊपर स्नो की हालत, और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे स्नो फॉल चल रहा है ऊपर, बट नीचे भाई रोड बिल्कुल ही ऐसा है। हाँ ये है कि आप 20-30 की स्पीड के बीच में चल सकते हो, ऐसा रोड तो है। तो भाई ये देखो दर्रों में बर्फ आने लगी, 10-10 फुट 15-15 फुट, और 0 पॉइंट है यहाँ से 2-3 किलोमीटर। तो एक भाई अपने यहाँ मिले थे, वो बता रहे हैं कि भाई कितनी कितनी होती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तो आपको पता नालों में नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये एक्चुअल में इकट्ठी हो जाती है ऊपर पहाड़ पे तो टिकती नहीं और नीचे आ जाती है भाई एक्चुअल में ना। ये देखो ये बीच में जो
सिंगल रोड आ जाते हैं ना, ये हो जाते हैं जाम के कारण। तो क्योंकि बीच में क्या होता है, ये जो बिछाने लग रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि भाई आगे रोड बढ़िया बन जाएंगे, तो इतना बहुत तो भाई बर्दाश्त करना ही पड़ता है आपस में। ये तो एक ही मिनट लगी, पर अगर दिन में आते हैं ना, शाम को आते तो दिक्कत हो जाती है। ये देखो भाई, दिखने को तो ये थोड़ी सी दिख रही है, पर नीचे देखो आप, ग्लेशियर की तरह चली हुई है और इसमें से ही पानी बनता है। सोचो ये पानी कितना ठंडा होगा भाई, यूज़ करने के लिए आफत हो जाती होगी, पर ऑप्शंस भी नहीं होते, यही पानी यूज़ करना पड़ता है भाई। पर बर्फ़ काफ़ी है, जैसे मनाली में, रोहतांग में तो इतनी नहीं है, क्योंकि रोहतांग में क्या बर्फ़ तो है, बट वो इकट्ठी एक जगह है। यहाँ क्या है कि कंटिन्यू चलती रहती कई किलोमीटर तक। और ये भाई एक रिवर है, और रिवर के पास में ही है जोजिला वार मेमोरियल, टैंक वैंक और वो रखे हुए हैं काफ़ी, और उधर आर्मी कुछ कार्य कर रही है। ये है घुमरी का एरिया, चबूतरा हिल्स, और भाई व्यू देखिए, रात को जो बर्फ़ पड़ी है ना, ये अलग ही रिफ्लेक्ट कर रही है, ऊपर सारे पहाड़ों पे ही पड़ी है। तो भाई ये सामने आ गई जोजिला, जो पहाड़ है जो जिसको हमें क्रॉस करना, जोजिला टॉप आएगा, तो वो अभी जितना आगे जाएंगे स्नो उतनी बढ़ती चली जाएगी, और स्नो के बीच से ही क्रॉस करना पड़ेगा। पर बस यही वो हम कह सकते हैं हम, कि अभी ट्रैफिक कहीं मिला नहीं है, आगे मिल जाए तो पता नहीं भाई। अभी भाई हमने सोचा जोजिला पास बहुत हाइट पे और वो होगा, तो ये है भाई जोजिला पास। और जोजिला पास के इधर में जो हम कह रहे थे ना बॉर्डर, वो बॉर्डर एरिया नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स का एरिया था, ये है बॉर्डर का एरिया। यहाँ से आगे चला गए तो कश्मीर है, इधर चले गए तो लद्दाख है। तो ये है भाई जोजिला पास, इसकी तो हाइट भी बेचारे की कमी है, और 11 जा रही है ये फियरलेस 55 था ये भाई, आर्मी ने बना रखा हुआ, आर्मी करती है ऐसे काम। और भाई जो ये स्नो है ना, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल खा जाती है रोड को, रोड को तो छोड़ती कहीं नहीं है इतनी। देखो ना अभी भी इतनी है, तो मान लो सर्दियों में तो कम से कम भी ये डबल तो मिनिमम होगी होगी भाई। ये है 0 पॉइंट, यहाँ कुछ दुकानें उकाने हैं बस हल्के फुल्के, और तो क्या कुछ ऐसा खास तो है नहीं। पुलिस खड़ी हुई है सामने भाई। ये है 0 पॉइंट की मार्केट, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चाय कॉफ़ी मैगी बस इन्हीं की शॉप्स हैं। तो हम भी रुक गए, मैंने कहा थोड़ी देर चाय वाय पी के चलते, क्योंकि तबीयत हो रखी भाई ढीली, बिल्कुल फीवर आ रखा है, तो थोड़ी सी चाय वाय पी के थोड़ी तंदुरुस्ती आए, तो मैंने कहा आगे चलेंगे फिर। तो भाई ये देखो, ये बना रखा है उधर स्नो पॉइंट, लोग वहाँ जाते हैं स्नो के लिए। और ये 0 पॉइंट नीचे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ होती है एक्टिविटीज़। देखो स्नो स्कूटर, ट्यूब राइड, ये दो चार एक्टिविटीज़ हैं, कोई खास नहीं है। देखो उधर भी है और इधर भी है, देखो नाले में ही है, जैसे अपना सोलो नाले में होती है ना, वैसे ही सेम एक्टिविटीज है मनाली में, वैसे ही सेम है। तो भाई मौसम देखो क्या, अभी तो पहाड़ हो रखा, पर हम धीरे धीरे अब नीचे उतर जाएंगे। और भाई एक बात और, अगर आप देखो ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हो ना, तो एक काम जरूर किया करो, जब भी आप कहीं रुकते हो तो प्राइस जरूर चेक किया करो भाई, जरूर। ये मतलब सबके साथ करते हैं, क्या होता है कि 10 की चीज 20, 20 की चीज 50, मतलब एक छोटे ढाबे पे 100-125 रुपए की ऑमलेट वर्थ नहीं रखती। हाँ ठीक है यार, एक अच्छा रेस्टोरेंट है तो समझ में आती है, तो मतलब थोड़ा सा है ना ओवर चार्ज कर लेते हैं। ओवर चार्ज करके पता क्या है, ये अपने फिर करेक्टर को ही वो कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यार देखो एक एवरेज प्राइस होता है। अगर आप मान लो इन ढाबों पे आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करोगे एक उनका, कोई भी ढाबा ले लो अपना, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को भी ले लो, इन ढाबों पे भाई एक्सपेक्ट यही करोगे भाई 50 की होगी, 60 की होगी, 80 की होगी, 100 की होगी। तो भाई अपना प्राइस चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमें काट ही दिया वो कर दिया, बट मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि हम तो फिर भी कह सुन के करवा लेते हैं, पर भाई अब जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना तब नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा है अपना पहले ही सब कुछ कंफर्म कर लो। देखो भाई यहाँ भी स्नो, पर यहाँ पे देखो स्नो का हाल क्या कर दिया, बिल्कुल ब्लैक कर दी, क्योंकि यहाँ पे इतने स्नो स्कूटर वो चलते हैं, वो पूरा घुमा के लाते हैं, पर बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। भाई अगर बात करो ना जोजिला पास के चढ़ाई या उतराई की, तो 0 है, मतलब मैं इसको पास ही नहीं मानता, सही माने तो, क्योंकि किसी भी एंगल से इतनी खास, एक होता है स्ट्रिप चढ़ाई भाई ऊपर टॉप में आके वो करना, टॉप तो देखो ना आप कहाँ है, वो टॉप है और ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे चल रहा है, ये देखो ना, और आप इसको टॉप कह दोगे, ये देखो ये नीचे वाला पहाड़ का निचला हिस्सा है और ये बिल्कुल टॉप है, टॉप का 0 पॉइंट है भाई,
आप सोचो कैसे इसको आप जो जिला पास कर दोगे यार, कुछ भी लगता है भाई। पर ये है कि भाई स्नो काफी है, काफी स्नो है। ये देखो ना टेम्पो बिल्कुल ढक रहा है स्नो से, बिल्कुल रगड़ खाता हुआ जा रहा है। अब जो स्नो है ना वो रह गई कहीं कहीं, जिस तरीके से ये दिख रही है ना आपको, ऐसे बीच में पासिस आएंगे वही है बस, बाकी सारी स्नो ऑलरेडी जा चुकी है। पर भाई जहां स्नो है ना, अगर ये एक बार थोड़ी सी भी स्किट हो जाए रास्ते को तभी ब्लॉक कर देगी 2-4-5 घंटे के लिए। देखो ना कितने, और नीचे से पानी निकल रहा है इसके, ये देखो। तो भाई ये जो यहाँ बर्फ की लेयर है ना, ये है 25 से 30 फुट। देखो दिख रही है आपको, हमारी गाड़ी तो 25 ही लग रही है इस बर्फ के उसके आगे दोनों ही तरफ। पर ये पुरानी बर्फ है क्योंकि देखो ब्लैक हो रखी बिल्कुल, नीचे से तो खैर वही साफ निकलेगी पर ऊपर पोल्यूशन के कारण बिल्कुल ब्लैक हो रखी, बिल्कुल ब्लैक। ये देखो काफी लंबा ग्लेशियर है। एक बार यही तो तंग करते हैं, जब आते हैं ना ये बंद कर देते हैं रास्ते को पूरा ब्लॉक। और भाई अब आ गए हैं पहाड़, बर्फ चली गई पीछे और धीरे धीरे हम उतरना शुरू हो गए नीचे। देखो भाई दोबारा से शुरू होगी स्नोफॉल ऊपर तो, और अभी धीरे धीरे नीचे उतर जाती है शाम तक, और फिर दिक्कत देती है भाई ये आने जाने वालों को। इस टाइप के दर्रे है ना भाई वो मारते हैं, वो एकदम स्लाइड करते हैं और परेशान कर देते हैं गाड़ियों को। और अब देखो भाई अब कश्मीर जैसी वैली आने लगी ना नीचे, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि काफी सारे कैंप्स लगे हुए हैं नीचे, और हम बस स्नो को खत्म करके और ग्रीनरी में उतर जाएंगे। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। ये मेरे ख्याल से जो लोग जो जिला पास इस साइड से आते हैं ना उनको चढ़ाई पड़ती है, उस साइड तो चढ़ाई नहीं है भाई, उस साइड तो मतलब तकरीबन प्लेन ही एरिया है। देखो भाई दयार के जंगल आने शुरू हो गए हैं, और जब नीचे जाएंगे ना ओए होए क्या गजब व्यू है ना, आपको दिखाते हैं नीचे चल के, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। तो ये देखो भाई माहौल क्या गजब है ना, स्नो ग्रीनरी और ब्यूटी देखो, रिवर वगैरह सब कुछ परफेक्ट। इधर देखो भाई हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी अब आपको, अब जहां मर्जी करो आप कैंपिंग इस एरिया में। और भाई सोनमर्ग रह गया 8 किलोमीटर, पर हमने एक लोकेशन आइडेंटिफाई की है बहुत ही प्यारी रिवर के पास में, मस्त। तो उससे बेटर मेरे को नहीं लगता कहीं रुकना चाहिए, तो वहीं रुकेंगे मस्त होके, और आगे देखते हैं फिर क्या प्लान होगा। जो भी कल का होगा वो कल का ही होगा, आज का तो कोई प्लान है नहीं ऐसा। तो भाई यहाँ से जम्मू रह गया 383 किलोमीटर, श्रीनगर रह गया 89 किलोमीटर, और गंदरेबल रह गया 68, कांगड़ा सोनमर्ग रह गया 4 किलोमीटर। ये देखो भाई बारिश हो गई है शुरू, अब क्या करें, अच्छी सी लोकेशन तो ढूंढी थी पर बारिश ने सब गुड़गोबर कर रखा है। अभी अमरनाथ की यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है बालटाल, वहां से नीलगढ़ हेलीपैड है यहाँ पे। तो भाई पहले तो सबसे जरूरी चीज थी पानी, पानी हमने लिया भर। अब पानी भरने के बाद अब चलते हैं सब्जी वगैरह लेंगे आसपास अपना सोनमर्ग से, सोनमर्ग से सब्जी लेके आएंगे, आगे एक लोकेशन देख रखी उस लोकेशन पे रुकेंगे बढ़िया। आज लंच भी वहीं बनाएंगे और रात की डिनर भी वहीं होना है, पर भाई बारिश नहीं रुक रही तो इसके कारण पहले ही जाके अपने तरपाल वगैरह सेट करेंगे और तब कुछ हो सकता है, कुछ बनाया जा सकता है। तो भाई ये था सोनमर्ग, बारिश रुक नहीं रही और हम जा रहे हैं अब वापिस ही बालटाल की तरफ। और ये देखो भाई माहौल अलग ही है ना, इधर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और उधर है कैंपिंग साइड, देखिए काफी अच्छी कैंपिंग साइड है, पर हमें कैंपिंग साइड पर जाना नहीं, हमें करनी है कैंपिंग, आप निकल जाएंगे आगे की तरफ। हमने एक लोकेशन देखी है तो वही देखते हैं कैसी रहती है हमारे लिए, परफेक्ट है नहीं है भाई। आज के लिए सोचिए ये लोकेशन, तो कैसी लगी भाई लोकेशन, मुझे तो लग रही है बिल्कुल मस्त, बाकी तुम बताओगे भाई कैसी है। तो भाई ये देखो ये है आज की लोकेशन, बहुत ही प्यारी। इधर देखो वो सामने है अमरनाथ वाला पहाड़ भाई, बाबा बर्फानी वाला। तो यहाँ से बस जो बेस कैंप है वो 3-3.5 किलोमीटर है, तो वहाँ तो अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि अभी तो खुला ही नहीं है, पर भाई व्यू देखो, रिवर सब कुछ एक साथ मज़ेदार। तो भाई अभी तो देखो
लोकेशन ये है, पर प्रॉब्लम क्या है कि हर आधे घंटे में कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, ये चल रहा है। मौसम का हाल तो पता नहीं, पर भाई व्यू का जो हाल है ना अल्टीमेट है, इससे बेस्ट हमें तो कहीं मिल नहीं सकता था, इसलिए हमने चुना इसको विद रिवर। इधर गुड़िया देखो क्या मजे ले रही है अकेली, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है भाई। और हमने भी अपना गार्डन सजा दिया है, अब करेंगे लंच की तैयारी। और उधर हम जब तक आलू उबाल देते हैं, भाभी फिर बना देगी पूरी, आलू सब्जी पूरी। बुखार भी हूँ, धक्के खाता फिर। पर भाई ठंड है, रात को होगी जबरदस्त ठंड, पर भाई माहौल तो कुछ अलग ही है। और ये देखो ये सामने जो रास्ता आ रहा है ना, ये है उस वाला जो जिला पास जो जा रहा है ना वो, तो हम हो गए आराम से नीचे। तो भाई गाड़ियां लगा दिए ऐसे, बीच में लगाएंगे तरपाल ताकि हवा से बच सके, और हवा देखते किस तरफ की। वैसे तो हवा इस तरफ की है, तो पर मेरी गाड़ी की ओट हो जाएगी तो इतनी हवा नहीं आएगी, तो एक बार है ना तरपाल सेट करते हैं सबसे पहले। तो भाई अपना कल वाला तरपाल हो गया तैयार, दोनों साइड से बांध दिया है। और अब इसको ये देखो हमारी चिड़िया कहाँ इसके नीचे घुस रही है। और भाई इधर से हो गया कुछ ऐसा, ये देखो इधर से अभी बैठने का कर दिया है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बारिश आती है तो हम कम से कम इसके नीचे रहेंगे। और इसको बंद भी कर सकते हैं, बंद भी हो जाएगा अपने आप ही। ये हमने तरपाल ऊपर टांग रखा भी, तो ये अभी हमने फुल टाइट नहीं किया, ये रस्सी खुलेगी और सीधी इसमें टंग जाएगी, और इसमें टंगते ही नीचे आ जाएगा, ये फुल कवर्ड हो जाएगा। यहाँ भी ये है कि हवा नहीं लगेगी बिल्कुल भी। अब हम कार्रवाई कर देते हैं शुरू फटाफट। हेलो जी, लंच के लिए तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। पहले है ना अपना निकालते हैं कुकर। अपना काम था कटिंग करने का और आलू उबालने का, आलू उबलने लग रहे हैं, कटिंग हमने कर दी है, चॉपिंग वोपिंग जो भी कुछ होता है उधर भाभी जी ने कर दिया है, आटा तैयार। पर आटा भाभी जी एक्स्ट्रा बनाई है, पूरियां हम खाएंगे दबा के, ठीक है। और पियू, ए पियू क्या कर रही है पियू? पियू अपनी मस्ती में मस्त है बस। हवा की हालत देखो कैसे, पर ये कि हमने ऑलरेडी ऐसा इंतजाम कर रखा है, इसको सिर्फ बंद करना होगा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक बंद हो जाएगा, यहाँ तक बस जब दिल करेगा, तो कोई ऐसी मतलब इशू नहीं है। भाई इधर भाई छील रहे हैं आलू और हम इधर कर रहे हैं बस तड़के की तैयारी। इधर मैं मार देता हूँ तड़का, जब तक भाभी करेगी पूरियों की तैयारी, गर्मा गर्म ही खाएंगे भाई आज। भाई बाहर इतनी भयंकर ठंड है, हमने पूरा दोनों साइड से क्लोज कर दिया, उसके बावजूद भी भाई पैर पैर पे हवा लग रही है, वो जबरदस्त लग रही है। पर ये है कि भाई बच गए इसके कारण, तरपाल के कारण ना, बाहर खड़े होने का काम नहीं था कश्मीर में तो। तो भाई इधर मैं मार रहा हूँ तड़का, भाई कर रहा मैश, भाभी गई अंदर सीधा, अब हम बाहर से ही तल के देंगे पूरी यार। उधर से आज फंस गए भाई, सही आज सोच रहे थे अच्छी तरीके से फुल ऑन करेंगे पार्टी और आराम से, मैंने कहा शूट भी करेंगे, शूट को तो छोड़ो हालत ऐसी हो रखी है कि 4x6 की उसमें फंस गए बालकनी में। ये तो शुक्र है बालकनी है अपने पास, ये भी ना होना तो बुरा हाल हो जाए भाई। नहीं फंसे नहीं, अच्छी बात है ये भी। पर ये भी व्यू नहीं दिख रहा, पीछे से नज़ारे नहीं दिख रहे ना, नज़ारों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो पहले नज़ारे हमारे पास थे। कोई बात नहीं, लाइफ में हर चीज चलती है। ये देखो मसाला हो रहा है तैयार, एक बार मसाला तैयार हुआ आलू डाले, ये सब्जी तो बन जाएगी, डाल दो सब्जी, कोई दिक्कत नहीं। भाई हालत अब तो ठीक है, बाहर जाते ही तो ठंड ऐसी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता क्या तो करे क्या ना करे। भाई वो लाल मिर्ची पाउडर है,
किधर ये कुछ नहीं उड़ता ये पाउडर मिर्ची पाउडर है उड़ने वाला है दोनों एक ही है। और देखो भाई अभी तो स्टार्टिंग है कलर देखो क्या गजब आया है ना ये देखो भाई कलर थोड़ा कम दिख रहा है भाप में पर गजब है भाई। और अभी आलू डलेंगे ना अब तो मज़ा ही आ जाएगा आलू टमाटर की सब्जी में। तो लो जी ऑलमोस्ट अपनी सब्जी हो गई है कंप्लीट बस अभी इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा और बढ़िया मस्त हो जाएगी दनादन। भाभी ने पूरी बनानी है और हम इधर बैठ के ही खाएंगे इधर इसको कर देंगे क्लोज अंदर ही और फिर खाएंगे मस्त हो गए क्योंकि दोनों ये चली जाएंगी ना अंदर ये आधा चला जाएगा और ये हमारे वाले पूरा बीच में आ जाएगा गैप सही। जब तक हम सब्जी तैयार कर रहे थे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है तो बारिश रुक गई थी तो अब देखो यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हुए हैं कुछ तो बारिश रुक गई थी और अब चल रहा है अपना किचन का सेटअप। ये देखो इधर शूट चल रहा है शूट। तो भाई अब देखो क्या सब्जी आई है कलर उठ के ना मस्त और अब बैठ के यहाँ खाएंगे आराम से मैं और भाई भाभी बनाएंगे जब तक पूरियाँ मज़ा आ जाएगा। तो ये आ गई सबसे पहली पूरी हमारे लिए भाभी ने बना दी है और सलाद वलाद प्रॉपर कट गया और सब्जी देखो भाई अब थोड़ी सी उसमें आ गई ना गाढ़ी हो गई अब आएगा मज़ा पूरा मैं ठहरा हूँ क्या बात है मज़ा आ जाएगा पूरी खाने का। पर भाई ये बारिश तो ना चाह रही कि हम खाए पूरी ढंग से बैठ के भाई रिवर किनारे खाने का मन था पर क्या करें बारिश तो पीछा ही नहीं छोड़ रही क्या कहाँ तक भागे हम ये तो शुक्र है तरपाल है और वो गुड़िया देख कैसे पहली पूरी पे हक जमा के बैठी है सबसे पहली तेरी है बेटा कन्या की होती है ये भाई बहुत देर से सब्जी को देख के मुंह में पानी आ रहा था थोड़ी तरी डाल भाई तरी हाँ ऐसे आने दे हाँ बस अब आएगा मजा। और देखो भाई रिवर किनारे मस्त होके खाएंगे तो भाई करते हैं शुरू और लेते हैं मजा रिवर साइड में उसका। भाई देखो ये होता मजा यहाँ किचन गर्मा गर्म एक एक पूरी बारी बारी और गुड़िया तो खा भी चुकी है देख हम तो अभी तक सिर्फ वही कर रहे हैं और गुड़िया ने खा भी लिया। तो भाई अब हो गया अपना बिल्कुल टन तो भाभी जी अपने लिए बना रही है अपने और गुड़िया के लिए हमारा तो हो गया भाई अब मैंने भाई ने खा लिया और इधर अभी पूरियाँ चल ही रही है गर्मा गर्म। भाई हालात फिर वही हो गए मौसम हो गया बिल्कुल ख़राब और यहाँ आते बार बार टूरिस्ट तो भाई अभी खाना खा लिया और मेरी तबीयत अभी ढीली है भाई तो गाड़ी में बैठते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर देखेंगे भाई आगे क्या करना है क्योंकि अभी तो हिम्मत हो नहीं रही भाई। और भाई देखो इस वीडियो कर देते यही एंड क्योंकि वीडियो हो जाती फिर काफ़ी लंबी सो इस वीडियो कर देते यही एंड और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में शाम को बनाएंगे यहाँ डिनर और यहीं करेंगे हम कार कैंपिंग। पर भाई जो मौसम है ना वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है शायद मेरे पीछे से आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।